हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम फ्रॉम द रिसर्च मैथडोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मैथड इज अप्रोप्रिएट टू स्टडी द प्रीवेलेंस ऑफ एड्स अमंग फीमेल एंड मेल इन इंडिया इन 1976, 86, 96 एंड 2006। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिंपली इतना समझिए कि जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है वो एक प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है सैम्पलिंग का, यानी वो एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। और इसमें जो रिसर्चर है वो अपने पॉपुलेशंस के मेंबर्स को, यानी वो अपना सैम्पल इस तरीके से सेलेक्ट करता है कि वो एक रेगुलर इंटरवल पे हो। और यहाँ हमारे पास क्या है, एक 10 ईयर के इंटरवल पे हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिसर्च इज ऑलवेज इट वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, इट एक्सप्लोर्स न्यू नॉलेज, इट फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज एंड ऑल ऑफ द अबव। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, इट डज। आपकी रिसर्च हमेशा पुराने नॉलेज को वेरीफाई करती है, न्यू नॉलेज को एक्सप्लोर करती है और जो गैप होता है नॉलेज के बीच में उसको भी फिल करती है। इसका मतलब इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉज एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडियाज अबाउट द प्रॉब्लम। तो ये आपकी बेसिकली होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्योंकि जो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ये आपकी एक साइंटिफिक अप्रोच है, आपकी एक साइंटिफिक अप्रोच है किस चीज़ के लिए, टू रिसर्च वेयर वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर मैनिपुलेटेड एंड अप्लाइड टू वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल टू मेजर देयर इफेक्ट ऑन द लेटर। इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्योंकि जो एक्शन रिसर्च होती है वो तो आपकी किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन द मोस्ट सूटेबल सैम्पलिंग मेथड इज। तो क्वेश्चन क्या है कि जब आपके पास जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस है, विषम है बहुत तरीके से, तब आप कौन सी सैम्पलिंग यूज करेंगे। तो इस केस में हम यूज़ करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का। इसको समझते हैं ये क्या होती है, ये क्या करती है, ये अपनी जो प्रॉब्लम है यानी अपनी जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करेगी आप सब्जेक्ट्स में या सब ग्रुप्स में, आपका जो सैम्पलिंग का ग्रुप है उसको सब ग्रुप में डिवाइड करेगी। किसके बेस पे, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स दे शेयर, चाहे वो रेस हो, चाहे वो उनका जेंडर हो या फिर उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स हो। तो इसलिए इस टाइप की हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन जहाँ होती है वहाँ हम हमेशा यूज़ करते हैं स्ट्रेटिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बेसिकली आपको ऑब्जर्वेशन भी चाहिए, ठीक है, मैनिपुलेशन और रेप्लिकेशन भी चाहिए, क्योंकि और कंट्रोल भी होना चाहिए वेरिएबल्स का एक दूसरे के ऊपर। हम देखते हैं कि किस तरीके से वो एक का इफेक्ट हम दूसरे पे देख रहे होते हैं। एक चीज़ है जो बहुत मच नीडेड नहीं है, वो है रेफरेंस कलेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिसर्च प्रॉब्लम इज नॉट फीजिबल। कोई भी प्रॉब्लम फीजिबल कब नहीं होती है, जब आपके ये रिसर्चेबल हो। ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो रॉन्ग है। मतलब रिसर्च प्रॉब्लम फीजिबल होती है जब वो रिसर्चेबल है, ठीक है। इट इज़ न्यू एंड एड्स समथिंग टू नॉलेज, ये रिसर्च की फिजिबल होने की क्वालिटी है। इट हैज़ यूटिलिटी एंड रेलिवेंस। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, हमको ऑड वन आउट को भी एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको उसका आंसर नहीं भी आता है। तो इस केस में क्या है कि रिसर्चेबल, इट एड्स न्यू समथिंग टू न्यू नॉलेज, इट हैज़ यूटिलिटी एंड रेलिवेंस, ये कहीं ना कहीं आपका सीधे सीधे एक अच्छी रिसर्च की क्वालिटी है, एक रिसर्च की फिजिबिलिटी इससे चेक होती है। तो एक ही ऑप्शन है जो ऑड है, वो है इट कंसिस्ट द इनडिपेंडेंट और एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च बी इन्हेंस्ड। इसकी इम्पार्शियलिटी के हिसाब से, इसकी रिलायबिलिटी के हिसाब से, इसकी वैलिडिटी के हिसाब से एंड ऑल ऑफ द अबव। तो किसी की रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए बेसिकली रिसर्च मस्ट बी इम्पार्शियल, रिलायबल और वैलिड। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्शन रिसर्चेस। तो बेसिकली जो एक्शन रिसर्च होती है वो होती है किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अचानक से स्टूडेंट्स का क्लास में आना बंद हो गया है या कम हो गया है, तो इस टाइप की जो सिंपल प्रॉब्लम होती है जो इमीडिएट जिनको सॉल्यूशन चाहिए, उस टाइप में हम यूज करते हैं एक्शन रिसर्च का, यानी करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिस ऑन विच
Assumptions are formulated, cultural background of the history, universities, specific characteristics of the caste. तो basically assumption हम किसी specific unit के ऊपर नहीं बना सकते, जैसे कि किसी university के ऊपर नहीं या किसी caste की characteristics के ऊपर नहीं. तो इसका जो मेन बेसिस होता है assumption का वो क्या होता है, उसका उस पर्टिकुलर कंट्री का कल्चरल बैकग्राउंड. तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च. तो डेवलपमेंट रिसर्च में अगर हम डेवलपमेंट हो रही है कहीं तो वहाँ फिलोसफिकल रिसर्च भी आएगी, एक्शन रिसर्च भी आएगी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी आएगी. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी.